खबर है शिक्षिका की हत्या के खुलासा हुआ है। शिक्षिका के प्रेमी हत्या कर रही कवर्धा जिला के दसरंगपुर के मृतका रही लिव इन रिलेशन में शिक्षिका और प्रेमी जो ने राहत रही बेमित्रा की लोलेसरा मां किराया के मकान में ये मर रहा था। इन दोनों के बीच कोनो बात ना लेके बहस होगी। केसकाल घाटी के जंगल में महिला की लाश मिले हड़कम मच गई। ये कर खुलासा तब हुई जब कवर्धा पुलिस केसकाल पहुंची। असल में पूरा मामला जो है वो प्रेम प्रसंग दे जुड़े है। कवर्धा पुलिस बताई कि 8 अगस्त के दसरंगपुर चौकी में एक महिला अपन शिक्षिका बेटी की गुमसुदगी रिपोर्ट लिखा रही। ओकर बाद पुलिस जांच शुरू करी। पुलिस मृतका ओकर प्रेमी राम आशीष उपाध्याय के लोकेशन ट्रेस करी जेमा पता चले कि युवा का शिक्षिका बेमित्रा के लोलसरा गांव में किराए के मकान में लिव इन रिलेशनशिप में रहते वह उनके मकान मालिक ला हिरासत में लेके कड़ाई ले पूछताछ करे में पूरा मामला आगू आई। सुवन बताएं कि 1 अगस्त के रात दोनों के बीच बहस हुई में प्रेमी शिक्षिका की हत्या कर दी। उसके बाद 2 अगस्त के मकान मालिक के संग गाड़ी में लाश लेके केसकाल घाटी पहुंची नो खाई में लेके चल दी। वही घटना के बाद प्रेमी राम आशीष उपाध्याय की गलो बेमित्रा के शिवनाथ नदी में लाश मिली। और मकान मालिक से जब कड़ाई से पूछताछ की गई, आरोपी के बारे में पूछा गया, तब उसने यह स्वीकार किया कि राम आशीष ने उसकी मृत्यु की है और केशकाल घाटी में फेंक दिए। मर्ग और अपराध जो है वो यहाँ हो रहा है जीरो में और उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बेमेतरा भेजा जाएगा। अभी फिलहाल एक और बॉडी मिलने की सूचना आई थी जिस पर केशकाल पुलिस और कबीरधाम पुलिस आई हुई है, जहां से एक बॉडी रिकवर किया गया है और कबीरधाम पुलिस को सौंपी जा रही है। पुलिस की नज़रों से बचना चाहता है इसलिए ये घाटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केशकाल पुलिस अलर्ट रहती है जिसके चलते बॉडी जल्द ही बरामद की जाती है।